वो आपने पानी पिलाया, ये क्या मकसद था आपका पानी पिलाने का? विपक्ष के लोगों को हम लोग पानी पिला दिए, देखिए सदन के अंदर भी या बाहर भी। बीजेपी विधायक है लखेंद्र पासवान, वो जो है विधानसभा के अंदर माइक तोड़ने का आरोप लगाया गया और दो दिन तक जो है उन्हें निष्कासित किया गया सदन। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक हैं मुकेश रोशन। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आरोप लगने के बाद ये लोग बीजेपी विधायक तमाम जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और आप पानी पिलाने पहुँच गए? कोई आरोप नहीं है, वो वीडियो फुटेज में है। ये लोग गलत काम कर रहे थे, अनुशासन तोड़ रहे थे। लोकतंत्र के मंदिर में ये लोग आते तो हैं लेकिन हंगामा करने के लिए आते हैं। इनको जनहित के मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। वो तो कह रहे थे कि हम तो जनहित का मुद्दा ही उठा रहे थे लगातार, जो है चाहे वो एससी एसटी पोस्ट मैट्रिक का मामला हो या अन्य जो मुद्दा है वो उठा रहे थे। कोई काम नहीं इन लोग का। आप देख लीजिए कि विजय सिन्हा जी आज नैतिकता का दुहाई दे रहे हैं। याद है 2021 में क्या हुआ था, 22 मार्च को काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जब वो सदन में अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए थे उस समय माननीय विधायकों को पुलिस के बूट से पिटवाया गया, तो आज नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, बदला ले रहे हैं। आज हम लोग पूरे तरीके से वीडियो फुटेज हम लोग देखने का काम किया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर कार्रवाई किया है और कार्रवाई जो है एकदम सही है। तो आपने पानी पिलाया, ये क्या मकसद था आपका पानी पिलाने का? विपक्ष के लोगों को हम लोग पानी पिला दिए, देखिए सदन के अंदर भी या बाहर भी। ये हमारे साथ थे मुकेश रोशन, जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये लोग जो है माइक तोड़े अंदर, उसके बाद जो है गाली गलौज का भी प्रयोग किया, लेकिन हमारे ही महागठबंधन के विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये लोग आपने देखा है कि 2021 की घटना को जिस तरह से जो है विपक्ष के जो विधायक थे यानी हम लोग के जो विधायक थे उनको जो है बूट से पिटवाया गया, लेकिन ये लोग को जो है अब हम लोगों ने सदन के अंदर और सदन के बाहर भी पानी पिलाने का काम किया है, ताकि जो है लगातार जो नारेबाजी कर रहे थे हमारे खिलाफ इनकी गले सूख गई थी, अब जो है ये शांत हो चुके हैं और अब जो है प्रदर्शन जिस तरह से लगातार कर रहे थे सदन के बाहर पोर्टिको के बाहर लगातार बीजेपी विधायक, वो तस्वीर देखी कि लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। जब से लखेंद्र पासवान है उन्होंने माइक तोड़ने का जिस तरह से आरोप लगाया, उसके बाद उन्हें निष्कासित किया गया, उसके बाद से सदन के बाहर जो है कार्रवाई के दौरान ही निकल गए तमाम विधायक और पोर्टिको के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं पे बात करें जिस तरह से जो है विधान परिषद के भी जो जितने भी विधायक थे वो बाहर निकल गए और फिर जो है विधानसभा के पोर्टिको के पास आकर के जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है महागठबंधन के खिलाफ जो है नारेबाजी कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह से जो है ये लोग कर रहे हैं ये सही नहीं है, सिर्फ जो है हमारे ही विधायक पर आरोप क्यों, क्योंकि उनके भी विधायक जो है गाली गलौज का प्रयोग किया। लेकिन जब मुकेश रोशन से बात किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, माइक तोड़े इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई की गई है और हमारे पास फुटेज भी है और वो तस्वीर देख सकते हैं कि जो फुटेज की बात कर रहे हैं उसके तमाम चीज़ों के बाद उसके बाद जो है लगातार जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो पानी पिलाते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज़, पटना।